अमीर भारतीय निवेशकों ने निवेश की ऐसी रणनीति अपनाई है जो अब वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। वो ऐसी MNC फार्मा कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं जो कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। बीते 2 महीनों में, खास तौर पर हालिया हफ्तों में, कई अमीर निवेशकों ने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, ग्लैक्सो स्मिथ क्वाइन, अबॉट और सनोफी जैसी फार्मा कंपनीज के शेयर्स में निवेश किया है। इन शेयर्स में निवेश LRS रूट के तहत किया गया है। ग्रीन कैपिटल सिंगल फैमिली ऑफिस के संस्थापक और पेशेवर संस्थागत निवेशक नितिन शकधर ने कहा है, एसेट्स में विविधता और हेजिंग की रणनीति की शुरुआत 2014 से 15 में हुई थी। कोरोना की महामारी के दौरान इसने फिर से रफ्तार पकड़ी है। उन्होंने कहा, हाल ही में घरेलू और विदेशी बाजारों में फाइजर, एस्ट्राजेनेका, अबॉट, सनोफी जैसी कई कंपनीज के शेयर्स में निवेश किया गया है। मॉडर्ना और फाइजर ने बताया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन 90 से 95% तक सफल रही है। इसके बाद से इन शेयर्स में जबरदस्त तेजी है। अमेरिकी बाजार में 1 नवंबर के बाद से मॉडर्ना के शेयर 33% तक मजबूत हुए हैं, जबकि फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, JSK के शेयर्स 8 से 12% तक चढ़े हैं। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी कैडिला हेल्थ केयर के राजीव मोदी के पास 4 लाख से ज्यादा नोवैक्स के शेयर हैं, जिनकी कीमत $3.6 करोड़ है। मोदी कोवैक्स के बोर्ड में भी शामिल है, जो कोरोना की वैक्सीन बना रही है। 31 दिसंबर 2019 से 24 जुलाई 2020 तक कंपनी के शेयर $3.98 से $133.93 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।